नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी इन एसोसिएशन विद अवर एनजीओ वुमन पावर एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन। मैं हूं टोनी चैनल हेड, पूरा नाम है जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। तो दोस्तों, बात करेंगे हम सलमान खान की। अब सलमान खान तो मेरे ख्याल से सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, काफ़ी चाहने वाले हैं सलमान खान के। मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सलमान खान का। सलमान खान के पास एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है पनवेल में। सलमान खान से कई बार इंटरव्यू में पूछा गया तो सलमान खान ने कहा कि उसकी जो फेवरेट प्लेस है, काफ़ी लोग लंदन, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, लेकिन सलमान खान ने कहा कि मेरी फेवरेट प्लेस है रिलैक्सेशन के लिए मेरा पनवेल का फार्म हाउस। तो ये फार्म हाउस मेरे ख्याल से काफ़ी लेविश है, बहुत बड़ा है। सलमान खान की बर्थडे पार्टीज़, बहुत सारी पार्टीज़ वहाँ पर होती हैं। सॉरी, सलमान खान के जो नेबर हैं, सलमान खान का जो फार्म हाउस है पनवेल में, उनके एक नेबर हैं मिस्टर केतन कक्कड़। ही इज़ एन NRI पर्सन। हालांकि सलीम खान जो सलमान खान के फादर हैं, सलीम खान की दोस्ती और केतन कक्कड़ की दोस्ती 20 साल तक तो उनकी दोस्ती चली आपस में, बिकॉज दे आर नेबर्स। सलमान खान का जो पनवेल का फार्म हाउस है उसके बगल में ही एडजेसेंट एक छोटा सा प्लॉट मिस्टर केतन कक्कड़ ने लिया था। केतन कक्कड़ जो हैं वो NRI हैं, मेरे ख्याल से UK या US में रहते हैं। तो उनका इरादा था कि रिटायरमेंट लाइफ वो अपने फार्म हाउस पे बिताएंगे। 15-20 साल तो इनकी अच्छी दोस्ती चली, केतन कक्कड़ की फैमिली की और सलमान खान के पेरेंट्स की। बट अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि केतन कक्कड़ ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया सलीम खान और सलमान खान के ऊपर। और काफ़ी वीडियोज़ में, इंटरव्यूज़ में, सोशल मीडिया पे केतन कक्कड़ ने ये इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि सलमान खान और उनके फादर मिस्टर सलीम खान वो प्लॉट हड़पना चाहते हैं, या तो उनको वहाँ पे सेटल नहीं होने दिया जा रहा है। अब केतन कक्कड़ ने सोशल मीडिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये रिलीजन की वजह से हो रहा है, बिकॉज सलमान खान इज़ अ मुस्लिम एंड केतन कक्कड़ सीम्स टू बी अ पंजाबी या हिंदू। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और काफ़ी बदनाम किया सलीम खान और सलमान खान को सोशल मीडिया के थ्रू कि ये खान फैमिली हमें परेशान कर रही है, सेटल नहीं होने दे रही है, या फिर हो सकता है ये प्लॉट हम लोग का हड़पना चाहते हैं। तो थोड़ा सा एज अ पर्सनली मुझे भी ऐसे लगा कि सलमान खान को क्या पड़ी है कि इतने बड़े आदमी को एक छोटा सा प्लॉट हड़पने की। तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा ये बात। लेकिन अब सुनने में ये आया दोस्तों कि सलमान खान ने मिस्टर केतन कक्कड़ के ऊपर डिफॉर्मेशन केस फाइल कर दिया है। डिफॉर्मेशन केस आप पता है, यानी कि जो कोई भी मेरी बेइज्जती करेगा पब्लिकली तो मैं उसके ऊपर डिफॉर्मेशन केस कर सकता हूं। तो सलमान खान ने कोर्ट में डिफॉर्मेशन केस फाइल कर दिया है केतन कक्कड़ के अगेंस्ट में, और रिक्वेस्ट की है कोर्ट से कि वो इंस्ट्रक्शन दे केतन कक्कड़ को कि अपने जितने भी वीडियोस हैं जिसमें खान फैमिली की वो बेइज्जती कर रहा है या इल्ज़ाम लगा रहा है वो रिमूव कर दें, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू कि वो अब सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस फ्यूचर में ना डाले। तो ये डिफॉर्मेशन केस अभी सलमान खान ने केतन कक्कड़ के ऊपर अभी लॉन्च किया हुआ है। अब इसकी रिजल्ट आने में तो टाइम लगेगा। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ क्लिप्स मैं और मेरी टीम आपके सामने पेश करते रहेंगे। मीनवाइल, अगर आपको वर्ल्ड ट्रेवल रिलेटेड वीडियोज़, रेसिपीज, बेस्ट फूड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड, वर्ल्ड न्यूज़ क्लिप्स अगर आप देखना पसंद करेंगे, ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ पूरे दुनिया का देखना पसंद करेंगे, तो हमारा वेब चैनल है www.newstv.co.in पर आप विज़िट कीजिए। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये कोविड ओमिक्रॉन का टाइम चल रहा है, आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। कोविड गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की इशू की हुई है उसको फॉलो कीजिए। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।